कि अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे सीटेट परीक्षा की पल पल की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड की जा रही है। सीटेट की उत्तर कुंजी जारी होने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थियों के दोस्तों 7 से 8 मार्क्स कम आ रहे हैं पासिंग मार्क्स के लेकर, उसी को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान है। क्या हम लोग का नॉर्मलाइजेशन हो क्या होगा, क्या बोनस अंक मिलेगा, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना, क्योंकि प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू के माध्यम से सबसे पहले सीटेट की अपडेट दी जाती है। दोस्तों यहां पर एक न्यूज सर्कुलेट हुई जिसमें बताया गया है कि परीक्षा 10 विवादित प्रश्नों पर मिलेगा सभी को बोनस अंक। शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट प्रॉपरली यहां पर बताया गया है। तो सबसे पहले इस न्यूज की सत्यता के बारे में जान लेते हैं बच्चों, क्योंकि यह न्यूज लगातार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट की जा रही है। तो देखिए एक बात तो दोस्तों कंफर्म है कि देखिए 7 से 8 अंकों पर बोनस अंक मिलना तय है, क्योंकि देखिए काफी सारे शिफ्टों में परीक्षा यहां पर गलत क्वेश्चन आ गए थे, जो आंसर गलत दिए थे ठीक है। तो जिनके शिफ्ट में गलत क्वेश्चन पूछा गया था उनको तो बोनस अंक मिलेगा। रही बात दोस्तों सभी को, तो दोस्तों अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो सभी को यहां पर बोनस अंक मिलेगा, नहीं तो सभी को नहीं मिलेगा ठीक है। और रही बात इस पेपर कटिंग की, तो बिल्कुल ये फेक है, प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू इसकी पुष्टि नहीं करता है। और नॉर्मलाइजेशन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और मैक्सिमम संभावनाएं हैं कि आप लोग का नॉर्मलाइजेशन होगा ठीक है। आप लोग के कितने मार्क्स बन रहे हैं कमेंट सेक्शन जरूर मेंशन करना। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत।